कुमारी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर चौराहा सर्वोदय ग्रीन में दो गुटों की पुरानी रंजिश को लेकर आपस में ही भिड़ंत हो गई। उनके बीच हुआ झगड़ा खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। इसमें कबाड़ का काम करने वाले 23 वर्षीय कमल खूटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं कुमारी पुलिस जांच में जुटी हुई है। बीते रात रामपुर चौराहा निवासी कमल खूटे की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मृतक घूम घूम कर कबाड़ बेचने का काम करता था। वहीं जानकारी के मुताबिक सतनामी समाज के दो गुटों में सर्वोदय ग्रीन सिटी कुम्हारी के पास पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो लोग लाठी डंडा हथियार लेकर एक दूसरे को मारने आ गए। दो गुटों में हुए इस खूनी संघर्ष में आरोपी पक्ष ने रायपुर उरला निवासी कमल खूटे के ऊपर धारदार हथियार से पेट, सिर, पीठ और हाथ पैर भी इतने वार किए कि वो वहीं पर ढेर हो गया। शुक्रवार तड़के से कुमारी सहित भिलाई तीन थाने के टीआई और सीएसपी छावनी, एएसपी संजय ध्रुव, सीएसपी क्राइम राजीव तिवारी सहित अन्य अधिकारी पहुंचे थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुमारी थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर बीती रात हत्या की सूचना पर से, जो कि ग्राम रामपुर चौरा गांव में हुआ था, उसकी सूचना पर से पुलिस वहां पर पहुंची। मृतक कमल कुटे, पिता पवन कुटे, उम्र 27 साल, को शुरुआती में अज्ञात लोगों के द्वारा धारदार हत्यार से हत्या कर देने की सूचना पर पुलिस वहाँ पर पहुँची। प्राथमिक वैधानिक कार्रवाई करते हुए मामले में गांव के ही कुछ संदेहों को हमें थाना लाया गया है, नाम के संदेह हैं, और इनसे पूछताछ की जा रही है। और इन संदेहों के द्वारा ही शुरुआती तौर पर हत्या की बात स्पष्ट आ रही है, स्पष्ट हो रहा है, और बाकी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चीज़ों का खुलासा करेंगे। बहरहाल पुलिस ने तीन संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ कर रही है। भिलाई तीन चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।